एसडीएम साहब और डीएम साहब आए थे, उनका ये कहना है कि विदाउट फार्मासिस्ट कोई भी बंदा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे ड्रग एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि जब लाइसेंस बनता है फार्मासिस्ट को ही मतलब एप्लीकेबल मानते हैं, सिर्फ उसके लिए कैश मेमो के लिए। ऐसा कोई एक्ट नहीं है कि जो ओनर बैठा हुआ वो दवाई नहीं बेच सकता। 30 साल से दुकान करे लोग, 30 साल से दुकान करे हैं, इसलिए मतलब है कि तो क्या किया डीएम साहब ने आगे? डीएम साहब ने हमारी एक केमिस्ट शॉप पे फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं था, उसके एवेज में उन्होंने ये कहा कि फार्मासिस्ट को ही होना जरूरी है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम सील करते हैं। मैक्सिमम में कौन सा फार्मासिस्ट? अब हम सारी दुकानें सील करेंगे, हमारी सारी दुकानें बंद रखेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जब तक हमारे सारे भाइयों को। अब हमारा ये कहना है कि फार्मासिस्ट की समस्या पूरे इंडिया में है, फार्मासिस्ट इतने अवेलेबल नहीं हो सकते कि जो हम उनको एक अमाउंट वाले पे कर सकते हैं, इसलिए हमारे सेल नहीं है। किसी में कोई नंबर नंबर ऑफ फार्मासिस्ट भी नहीं है। अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग पूरा शहर बंद कराएंगे। तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि जिस हिसाब से प्रशासन हमें परेशान कर रहा है, हमें प्रशासन का अधिकार या हस्तक्षेप नहीं चाहिए। आगे से हमारे किसी भाई को परेशान न किया जाए, हम जनता की सेवा के लिए कोई हमको हम जो है नाजायज नहीं कर रहे, जो भी काम कर रहे हैं जांच कर रहे हैं। आगे किस बात को परेशान किया जा रहा है? बार बार प्रोवाइड करा सकते हैं तो मेडिकल स्टोर पे हर पे फार्मासिस्ट मिलेगा, लेकिन जब सरकारी स्तर पे इतने फार्मासिस्ट नहीं मौजूद हैं तो लोगों को दवा देने के लिए लाइसेंस प्रशासन द्वारा इशू किए गए हैं, तो वो तो खुलेंगे। अगर डीएम महोदय इस तरह से केमिस्ट को परेशान करेंगे तो केमिस्ट जनता की सेवा के लिए बैठा है, या तो उन्हें यहाँ पे कोई असंवैधानिक दवाई मिली हो तो हम गुनाहगार हैं। ऐसा ना कोई नार्मल नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? पूरे शहर खुदा पड़ा, हम लोग इतने परेशान हैं, उसके बाद अगर हम जनता की सेवा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आके किसी मेडिकल को वहाँ कोई हमारी गलत दवाई पाई गई क्या, या कोई नशा मिला वहाँ पे, क्या हम नशा बेचते हुए पाए गए? तो आप क्या मानते हैं? क्या ऐसा पता नहीं करते? गुंडागर्दी चल रही है, किसी चाय दुकान बंद करते हैं, किसी चाय वाले खोल देते हैं, ये प्रशासन मतलब हमें इतना पता है, प्रशासन हमें कागज पे लिख के दे देगा इस भी दुकान खोले इस चीज बंद होगी, किसको अधिकार है किसको नहीं है? ट्रक कंट्रोलर को बंद कर दो उस चीज के लिए लाइसेंस बनाना, थोड़ा ही शासन कर रहे हो। दवाई मांगे दवाई चलनी पड़ेगी।